हाय गाइस, आप सबको जुमा मुबारक। आप सभी लोगों को अलविदा, बहुत बहुत मुबारक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अनाया मार्क था ना सो बस मैडम रेडी हैं, उनको छोड़ते हैं बैडमिंटन के लिए। आज है लास्ट डे ऑफ दिस वीक फॉर बैडमिंटन, नहीं सैटरडे संडे ऑफ होगा एंड लेट्स सी उसके बाद मंडे को क्या होता, ईद होती है या नहीं। वैसे तो ट्यूजडे ही बोल रहे हैं एंड आज है अलविदा, सो सभी को अलविदा मुबारक। ठीक, तो आज जब बनाया शरारा पैरों में, ठीक है। आज भी वो कल या परसों में आएगा। सो नाया वापस आ जाए, उसके बाद रेडी होते हैं क्योंकि आज अलविदा है एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। एवरीवन, अभी नमाज वगैरह हो गई है, अलविदा की भी दुआ वगैरह पढ़ ली है। अनाया पीहू क्या ही चली गई, थोड़ी देर में आएंगे तब उनसे मिलवाती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ आज जुमा भी है, अलविदा है, तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। क्यों बनाया? क्या बनाएंगे? बटर चिकन। यम्मी। सो बटर चिकन बनाने से पहले, अभी तो 2 बज रहा है बट क्योंकि चिकन को मैरिनेट करना है तो इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो चिकन को करते हैं मैरिनेट और उसके बाद इवनिंग में हम बनाएंगे बटर चिकन विद जीरा राइस। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है। इसमें मैं डालूंगी लेमन, 1 पूरा लेमन जूस जाएगा इसमें। चिकन आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, बटर चिकन में बोनलेस चिकन भी अच्छा लगता है बट यहाँ पर विद बोन्स है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जिसमें है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर एंड चाट मसाला। सो सारी ही चीज़ें 1 टीस्पून है, कोरिएंडर 1 टेबलस्पून है। तो ये सारे मसाले भी हम ऐड कर देंगे और इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कर्ड नहीं डाला है, आप चाहें तो थोड़ा सा कर्ड भी ऐड कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। बट मेक श्योर जब भी आप कोई चिकन की ग्रेवी बनाएं तो चिकन को कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें। तो इसे मैं कवर करके रख दूंगी, अभी 3 से 3.5 घंटे हैं तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। एंड उसके बाद मैंने 8 मीडियम साइज़ टोमेटोज की प्यूरी बनाई है और उसे जस्ट मैं पैन में ऐड करके भून लूँ और उसके बाद ऐड कर देंगे उसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी मैंने ऑयल या बटर नहीं डाला है
एंड उसके बाद मैंने 7 मीडियम साइज अनियन का पेस्ट भी उसमें ऐड कर दिया। सो बेसिकली बिना ऑयल या घी डाले आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से कुक करनी है जब तक कि इनकी जो रॉनेस होती है वो चली ना जाए। सो अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे एंड मीनवाइल हम चिकन को रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बटर लिया है मैंने पैन में, तवे पे, एक फ्लैट तवे में थोड़ा सा बटर ऐड करें। और उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन है उसके जस्ट पीसेस हम इसके ऊपर इस तरीके से कुक कर लेंगे। तो फ्राई नहीं करना, जस्ट हमें हल्के से बटर में रोस्ट करना है। और इसका जो मैरिनेशन बचेगा वो हम मसाले में ही ऐड कर देंगे। तो इधर देखिए मसाला भी अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल, जस्ट 2 टेबलस्पून एंड 2 टीस्पून भर के बटर। और अब हम ऑयल और बटर के साथ मसाले को अच्छे से कुक होने देंगे। थोड़ा सा मसाले में हमने कोरिएंडर डाला है, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट ध्यान रखें मैरिनेशन में भी है, एंड ब्लैक पेपर। इसके अलावा और कोई मसाले नहीं डालने क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में भी मसाले ऐड किए हुए हैं। सो इसे हम, अब क्योंकि कश्मीरी मिर्च मैंने मैरिनेशन में नहीं ऐड की थी तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। करीब 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे, उससे बहुत अच्छा कलर, एक जो रिच ग्रेवी का कलर होता है वो भी मिलेगा और तीखी भी ज़्यादा नहीं होती है। एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बिरयानी कलर ऐड किया है फॉर दैट रिच कलर। अब इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे और इधर चिकन भी हमारा एक साइड से कुक हो रहा है, इसे हम टर्न करते रहेंगे। और फिर मैंने ज़ीरा राइस भी बनाए, ऑयल में मैंने डाला ज़ीरा, अच्छे से ज़ीरा ब्राउन हो गया। राइस मैंने सोक किए थे आधा घंटा, तो जब ज़ीरा अच्छे से भुन जाएगा फिर हम उसमें राइस ऐड करेंगे। और देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहा है। तो अब राइस ऐड कर देंगे इसमें एंड उसके बाद पानी। थोड़ा सा सॉल्ट एंड आप जितने भी राइस बना रहे हो उसके हिसाब से पानी ऐड करें और फिर हम उसे प्रेशर कुक कर लेंगे। और इधर देखिए ग्रेवी भी अच्छे से भुन गई है सारे मसालों के साथ। इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड की है बिकॉज जो टोमेटो का टैंगीनेस होती है वो आप जब शुगर ऐड करोगे तो वो बैलेंस्ड हो जाती है। तो इस तरह की ग्रेवीज़ में जैसे हम पनीर बटर मसाला बनाते हैं तो आप शुगर ज़रूर ऐड करें जहाँ पर आप टोमेटो ज़्यादा डाल रहे हो। अब इसमें जो चिकन है हम वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपको देखिए बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना क्योंकि चिकन ऑलरेडी हाफ कुक हो चुका है। कोई पानी नहीं ऐड करना क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रेवी है वो हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी ठीक है। अच्छे से भून लेंगे इसे एंड फिर कवर करके जब तक चिकन कुक ना हो जाए इसे हम कुक करेंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट बाद ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम। मैं घर की ही क्रीम यूज़ कर रही हूँ एंड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बिना बटर चिकन अधूरा है, तो ज़रूर ऐड करें। अच्छे से मिक्स करेंगे एंड 3 से 4 मिनट हम और कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। वाओ, सी द कलर ऑफ ग्रेवी, रिचनेस एंड बिलीव मी खाने में बहुत ही यम्मी था। सो दैट्स इट, आज मेरे इफ्तार में है बटर चिकन विद ज़ीरा राइस। मैंने और कुछ नहीं बनाया बिकॉज दिस इज़ एनफ। तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल सी रेसिपी शेयर की है मैंने, डू ट्राई। एंड ज़ीरा राइस के साथ तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
सो इफ्तार किया, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर नीचे आ गए वॉक करने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो ये था आज का पूरा दिन, बस इसी तरह दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।